लग रही है बिल्कुल ही ब्राउन मिलने के लिए ब्राउन कॉफी स्विट्जरलैंड ऑफ तगा अभी कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए रुके हैं ठंड वंड लग रही है तो चोली भी करके जगह है ना पीछे दिख रहा है तो अंदर सीधा आपको कॉफ़ी लेके मिलते हैं अभी शोर शराबा काफ़ी है तो सीधा कॉफ़ी लेके मिलते हैं आपको तो ले आया हूँ अभी क्रीमर वगैरह मिक्स करना पड़ेगा इसमें फिर गाड़ी पड़ेगी आगे की तरफ ब्लैक कॉफी है वैसे तो ब्लैक कॉफी है सिस्टम बढ़िया है ब्लैक कॉफी को हमने कर दिया ब्राउन कॉफी ब्राउन मुंडे लग रही है बिल्कुल ही ब्राउन मुंडे के लिए ब्राउन कॉफी चाय को स्टीर कर रहे हैं धीरे धीरे अंकुश को चाहिए चाय और हम सोच रहे हैं अगली बार से स्टोव छोटा सा लेके आए उसमें ब्यूटेन करके गैस आती है ना वो भी लानी पड़ेगी साथ में चाय बनानी है तो और मजाक ले रहे हैं थोड़ा सो फार सो गुड मजा आ गया ब्लैक कॉफी मैं पी लेता हूँ लेकिन अभी मैंने कहा कि ब्लैक कॉफी नहीं पिएंगे थोड़ा सा तो शुगर चाहिए ब्लैक और अभी आगे आगे जाके खाने का भी चीज़ बर्गर वगैरह खाना पड़ेगा भूख लग रही है बहुत भयंकर अभी कितना रह गया यार यहाँ से 15-20 किलोमीटर है और वहाँ से आगे भी तो जाना है यार ये तो जगह बता रहा है वो अलग रोड है पहले हम तगाइते घूमेंगे ट्विन लेक्स उसके बाद में आगे जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा आगे जैसे ब्लॉग देखोगे आप उसका अभी के लिए तो बस यही है बाहर बैठना पड़ रहा है जुगाड़ बैठा के क्योंकि हमारे एक साथी के यानी पूरा फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है वो उनको एक ही डोज लगी है बाकी हम तीनों को तो लग चुकी है उनके लिए थोड़ा हमने कहा कि ठीक है हम भी बाहर ही देंगे यार क्या है अंदर बैठ के ठीक है अभी आगे जाएंगे थोड़ा जुगाड़ उगाड़ बैठाते हैं अंदर मेकडो में शायद बैठा दे हमें रिस्क है अभी तो आपको सीधा मिलते हैं यार रास्ते में ठीक है तो गाइस अभी अंकुश की हाइट लगी है बोल रहा था कि बारिश आएगी और ये आ चुकी है हाय तो मतलब ये लगा ही देता है कहीं भी कुछ भी शुद्ध शुभ काम करने से पहले इसकी हाय जरूर लगती है काला कुत्ता है पूरा काला कुत्ता अरे सॉरी काली बिल्ली है अभी देखो बाइक कैसी चमक रही है अपनी ये वाली हमारा भाई शुभम की है और ये अंकुश भाई की है बाइक और मस्त चमका रखी है शुभम भाई ने बाइक मज़ा आ गया भाई शुभम भाई अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो थैंक्स मज़ा आ रहा है तो अभी बारिश हो रही है यार सीधा आपको आगे जाके मिलते हैं अभी नहीं तो फंस जाएंगे यहाँ पे ठीक है चलो बाय जगह का नाम है क्रॉस विंड्स तगाइते क्रॉस विंड्स करके नाम है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा फिर भी एड्रेस तगाइते हाईलैंड से है यानी एक तरफ आपका वो पड़ जाता है ट्विन लेक्स वाला एरिया और दूसरी तरफ जो हाईलैंड्स में है ये वो ये वाली जगह है और आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरती है ना यहाँ पे यानी मैं बयान नहीं कर सकता ब्लॉग के थ्रू इतनी खूबसूरती यानी कैमरा तो कैप्चर कर ही नहीं पाएगा भाई हमें यहाँ के चौंधिया गई बिल्कुल यहाँ के और सब कुछ फ्री है पार्किंग वार्किंग सब कुछ फ्री आप बस अभी आप कॉफ़ी वॉफी लोगे तो वो तो ऑब्वियसली आपको पे करना ही पड़ेगा लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे रेजिडेंशियल एरिया है ये वाला अरे भाई साहब लोग रहते हैं यार इधर कितना सही बना रखा है यार काफ़ी सही यानी एक डॉम टाइप बना रखा है बिल्डिंग टाइप है और सही है देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली कुछ नहीं है देख पा रहे हैं आप इसको कहा जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ तगाइते जैसे खूबसूरती तो है स्विट्जरलैंड जैसी है मैंने तो पहले इसे ही कह दिया था मैंने इसका क्या पहले डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा था इस जगह का लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ था जब हमने यहाँ पे मैप्स वैप्स में डाल रहे थे इसकी लोकेशन तब मैंने जाके इसका ये सब कुछ देखा कि इसको क्या क्या बोला जाता है तो इसको स्विट्जरलैंड वगैरह बोला जाता है मैंने कहा ठीक है यानी एक एजम्पशन भी सही हो गया ठीक है अभी थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं और क्या चीज़ें हैं देखते हैं उसको ठीक है
अगर आप में से कोई भी आ रहा हो ना तो प्लीज़ इस जगह को मस्त विजिट करें। और हमारे भाई लोग भी आएंगे अभी इंडिया से, तो उनको भी एक बार हम जरूर यहाँ पे लेके आएंगे। काफ़ी सुंदर था, हमने सब एक्सप्लोर कर चुके हैं यहाँ पे। अभी लास्ट डे है हेल्थ ब्रेक का और उसमें भी हमने एक्सप्लोर कर चुके हैं ये सब चीज़। अभी ओ भाई क्या जगह ढूंढी है, देखो भाई। और ये खाई हेवन वो कॉफी शॉप है, अनुभव ढूंढ रहा है यहाँ पे कॉफी। ये आया अनुभव, कॉफी मिल गया है क्या? कितने में? 200-300। तो फिर ये आउट ऑफ बजट वाली बात कर रहा है तू? कॉफी प्रोजेक्ट है तो जगह भी ऐसी है ना, जगह ही ऐसी है तो होगा तो सही भाई। यहाँ से एक बात बताऊँ ना आपको, लाइन से BMW खड़ी है, BMW GS ये जो है ना 1250 वाला। अरे यार भाई आनंद घेर दिया आज सही में, जो जो एडवेंचर मिले ना। हालांकि ये तो सो ही नहीं है तो इनको नींद भी नहीं आ रही है, ताकि मैं तो सो के आया हूँ। पहले सो लेता हूँ यार, वो बाइक वाइक चलानी पड़ती है, बहुत दिक्कत आ जाती है आँखों में, खींचा हुआ था खींचा। जब और घूमता हूँ फिर आपको बताता हूँ यार, तब तक थोड़ा टाइम लैप्स लगा देता हूँ, उसका एंजॉय कीजिए, नेचर को एंजॉय कीजिए। ठीक है चलो। वेलकम टू अल्पाइन गार्डन। सोशल डिस्टेंसिंग, वियर फेस मास्क एंड फेस शील्ड, लॉटरिंग अलाउ नहीं है, भगवान हवना और पिकनिक्स अलाउ नहीं है। अभी चलेंगे ऊपर, पगडंडी सी बना रखी इन्होंने। सीन तो काफ़ी सही है यार इसका, बहुत सेक्सी सीन। यानी पेड़ पौधे देखो कैसे लगा रखे इन्होंने, और ऊपर थोड़ी चढ़ाई करनी है, और वहाँ से अगर मेरे हिसाब से तो काफ़ी सेक्सी व्यू आएगा, एकदम चुम्बेश्वरी वाला व्यू नहीं होता आएगा यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ वीडियो लंबी बन गई है तो दो पार्ट में डालनी पड़ेगी, तो लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स सी। भाई जगह तो ये सही है यार, क्रिकेट ग्राउंड है छोटा सा, क्रिकेट विकेट खेलने का सोच रहे भाई। हाय हाय मजा आ गया। ओ भाई बहुत सेक्सी सीन है यार यहाँ से, मैं आपको एक बार यहाँ से व्यू बता देता हूँ। ये है अल्पाइन गार्डन, ये अल्पाइन के पेड़ है शायद, इनको ही कहते हैं। और गार्डन वार्डन है काफ़ी अच्छे, हर तरह के पौधे हैं इसमें, तो रिफ्रेशिंग जो हवा आ रही है ना काफ़ी रिफ्रेशिंग, स्मूथ, बादल सब कुछ ऑल इन वन सिस्टम हो रखा है यहाँ पे। चलो आपको हमने बताया यही था, ये पाइन वगैरह सब सिस्टम। तो काफ़ी थक चुके हैं तो घर के लिए वापस रवानगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दबा के शेयर करें, दबा के लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में या फिर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपने का ख्याल रखें।